अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ एमडी अफरोज, यू आर वाचिंग अवर चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन। और जैसा कि आज की जो टॉपिक है दोस्तों, हिट हो रहा है दोस्तों, वो हिसाब से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप उसको इस तरह से सेट करेंगे। सेट करके जो भी हमारा फ्रेम्स होता है या फिर प्लेट होती है वहाँ पर उसको ये करेंगे दोस्तों, देख सकते हैं। इस वीडियो पर आप बने रहिए, आपको पूरा जानकारी मिलेंगी इसमें किस तरह से यहाँ पे शटरिंग लगाते हैं, बीम का शटरिंग लगाते हैं दोनों साइड से। ये साइड वन है, इधर फ्रंट वे, बैक साइड से किस तरह से लगाते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो पे बने रहिए। और किस तरह से यहाँ पे सब जगह पे पॉइंट दिया गया है मैं आपको बताता हूँ वन बाई करके। तो दोस्तों इस वीडियो पे कंप्लीट आप बने रहिए, और इस वीडियो को अगर इस रिलेटेड इस वीडियो से कुछ डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वेट है दोस्तों, जो उसका वेट होता है, शीट्स का वेट होता है, वो नीचे की तरफ डाउन आ रहा है। तो दोस्तों सपोर्टिंग के लिए यहाँ पे हमने देख सकते हैं, यहाँ पे वुडन का दोस्तों ये जो है पोल दिया गया है, इसको जनरली यहाँ पे पोल बोल सकते हैं। और दोस्तों वुडन का पोल, और इसको ये भी आप इस वीडियो पे बने रहिए पूरा अंत तक, पूरा मुकम्मल कंप्लीट इस वीडियो को देखिए दोस्तों। जैसे कि हमारे वर्कर्स हैं यहाँ पे, मैं आपको पार्ट वन वीडियो में बताया हूँ किस तरह से मार्किंग करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द डोरी से। यहाँ पर जो थ्रेड दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ, जैसा कि देख सकते हैं हमारे वर्कर्स के करीब में यहाँ पर ये वाला थ्रेड्स जो तागा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक कॉलम से लेके, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये कॉलम से लेके ट्रांसफ़र किया है सभी कॉलम से। तो वो लेवल पे दोस्तों उस प्रकार के हिसाब से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेप से देख रहे हैं, यहाँ पे 13 इंचेस। तो दोस्तों 13 इंचेस दोस्तों, उस आप एक चीज़ जहन में रहना चाहिए, वो क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो पर आप बने रहिए और पूरी जानकारी हासिल कीजिए किस तरह से ये शटरिंग लगाना है। अगर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं, अगर इसको आपको नॉलेज नहीं है तो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पूरा मुकम्मल कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। इस वीडियो पे आप बने रहिए। सो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे वर्कर्स हैं तुकाराम भाई, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ द मार्किंग, मैं आपको जो टॉपिक है वो टॉपिक के बारे में डिटेल्स बोल रहा हूँ, इस वीडियो पर आप बने रहिए। सो दोस्तों यहाँ पर हमने फर्स्ट क्या लिया है, पॉइंट लिया है यहाँ ग्राउंड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राउंड प्लेन बीम है। यहाँ से यहाँ हमने देख सकते हैं आप, यहाँ से हमने पूरा हाइट जितना है उसका 11 फीट 3 इंचेस स्लैब का है, मींस 11 फीट 3 इंचेस द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर प्लेन बीम टू द स्लैब लेवल 11 फीट 3 इंचेस। तो वहाँ पर हम 11 फीट 2 इंच ले रहे हैं, और उसके ऊपर जो प्लेट वगैरह आएगा दोस्तों, जो उसका ये आएगा 2 इंच बताता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट को ट्रांसफ़र किया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट से 11 फीट 2 इंचेस से यहाँ पे पूरा पॉइंट को ट्रांसफ़र किया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वहाँ पे पॉइंट ट्रांसफ़र करके दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, ये जो लाइन लिया गया है, ये थ्रेड्स लिया गया है, उसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ दी, उसकी वजह से यहाँ पे ये पूरा वर्क हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, ये जो देख सकते हैं ये थ्रेड जो तागा डोरी, मैं आपको बता रहा हूँ जूम करके, जूम आउट करके। ओके दोस्तों, इस तरह से दोस्तों ये वर्क होता है, इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द इसका ड्रॉप बीम का पार्ट 3 बताऊंगा किस तरह से दोनों साइड पे शटरिंग लगा देंगे। सो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे यहाँ से टोटली जो ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ प्लेन बीम से लेके ऊपर जहाँ तक ये टॉप है दोस्तों, ये स्लैब का दोस्तों 11 फीट 2 इंचेस यहाँ पर हम मार्किंग किया है, ये शटरिंग का है दोस्तों। जितना भी हमारा ड्रॉप बीम आएगा यहाँ, ये
ये कंसीडर करके हम ड्रॉप बीम को दोस्तों पूरा दोस्तों ये करेंगे, प्लेट जो है उसकी शटरिंग के पूरे फिक्स करेंगे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से लेके ग्राउंड प्लिन बीम से लेके दोस्तों जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं वहाँ कॉलम के जैसा कि रेनफोर्समेंट है उसका टोटल हाइट लिया है। वी आर टेकिंग द टोटल हाइट 11 feet 2 inches एंड 1 inches टोटल हमको 1 inch कम हो रहा है दोस्तों। वो जो है जब हम बॉटम फिक्स करेंगे दोस्तों, जब प्लेट्स लगाएंगे जैसा कि यहाँ पे प्लेट्स दिख रहे हैं, तो दोस्तों 1 inch का उसका प्लेट का बॉटम रहेगा, उस टाइम पे दोस्तों हमको 15 inches मिल जाएगा। दोस्तों जितना भी मार्किंग किए हैं ये शटरिंग ड्रॉप बीम का शटरिंग है। और दोस्तों यहाँ प्लिन बीम से लेके ऊपर जो टॉप है दोस्तों, टॉप तक टोटल हमको बॉटम मिल रहा है, स्लैब का जो हाइट मिल रहा है ग्राउंड फ्लोर टू दोस्तों जितना भी हाइट मिल रहा है हमको फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का हाइट स्लैब का बॉटम का मिल रहा है हमको 11 feet 3 inches मिल रहा है। 11 feet 3 inches ऊपर से लेके जितना उसको माइनस करेंगे हम 15 inches माइनस करेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा 11 feet 3 inches से वी आर डिडक्शन दी 15 inches तो हमको वो मिलेगा बॉटम ऑफ बीम। ये है प्राइमरी बीम दोस्तों, प्राइमरी बीम ये वाला प्राइमरी बीम है और ये वाला सेकेंडरी बीम है। तो इंशाल्लाह मैं प्राइमरी सेकेंडरी बीम नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा आने वाले पार्ट 3 पार्ट 4 में। तो इस तरह से दोस्तों ये शटरिंग दिया गया है सभी का, इसी हिसाब से पूरा शटरिंग दिया जाएगा सभी जगह पर, आप देख सकते हैं। और ये पूरा वर्क किस तरह से बनने के बाद दिखता है वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों कोशिश करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी इससे बेहतर बनाऊंगा। तो दोस्तों इसी तरह से दोस्तों ये वर्क होता है, आप देख सकते हैं सभी जगह से यहाँ पे लिया गया है दोस्तों। यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरा राउंडिंग दोस्तों, इस तरह से ये पूरा थ्रेड्स लिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से दोस्तों ये जो थ्रेड्स दिख रहा है आपको ये बीम्स का है दोस्तों, ड्रॉप बीम का है दोस्तों, ये शटरिंग के लिए लिया गया है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पूरा थ्रेड्स लिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से दोस्तों ये जो थ्रेड्स दिख रहा है आपको ये बीम्स का है दोस्तों, ड्रॉप बीम का है दोस्तों, ये शटरिंग के लिए लिया गया है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लिया गया। तो इंशाल्लाह मैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।